मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत करती हूँ। आज हम वेज हक्का नूडल्स बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हमने पहले ही पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब इसमें थोड़ा सा नमक और एक चम्मच तेल डालेंगे। और मिला लेंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब इसमें नूडल्स डाल देंगे। पहले तेज आंच पर पानी को बॉईल कर लेंगे और फिर जब पानी बॉईल हो जाएगा तब आंच को धीमी कर देंगे। देखिए पानी में बॉईल आ गया है। अब नूडल्स को पानी में डाल देंगे। हम नूडल्स को ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, बस दो पार्ट्स में ही तोड़ लेंगे। ज्यादा नहीं पकाएंगे, जब नूडल्स हल्के बॉईल हो जाए तभी इन्हें निकाल लेंगे। देखिए नूडल्स हल्के बॉईल हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और नूडल्स को निकाल लेंगे। ठंडे पानी से एक बार धो लेंगे। अब हक्का नूडल्स बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 6 से 7 किसी भी लहसुन की कलियां डालेंगे और हल्का फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। हमने प्याज को इस तरीके से लंबा काटा है। शिमला मिर्च, इसे भी इस तरीके से लंबा काटा हुआ है। हम सारी सब्जियों को इसी तरीके से लंबा चॉप करेंगे। 1 कटा हुआ गाजर, 1 कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे और सभी को मिला लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। हम इसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें हरा प्याज या लाल पीली शिमला मिर्च डाल सकते हैं। चुकी है। अब इसमें सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस विनेगर और काली मिर्च पाउडर डालकर सभी को मिला लेंगे। अब इसमें नूडल्स डाल देंगे।
अब गैस बंद कर देंगे और एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। वेज हक्का नूडल्स बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और गर्मा गर्म तो ये और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।